गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज का पेज नंबर 132 करेंगे। धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमांडा थी जो मुझे पहले के एम्प्लॉय ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। जब विनीता ने उनसे पूछा कि आपके पास पहली कार कब आई, तब धनराज ने बताया कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड महिंद्रा थी जिसे महिंद्रा ग्रुप ने दी थी। मैंने 2000 में एक फोर्ड आइकॉन खरीदा जिसके लिए 5 लाख लोन लिया था। विनीता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया है, इसके बदले आपको क्या मिला? फिर विनीता ने धनराज से पूछा कि हॉकी को आपने इतना कुछ दिया पर हॉकी से वापसी में आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के बाबू पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। फिर धनराज ने बताया कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे पर आज के खिलाड़ियों जितना नहीं। फॉरन लोगों में खेलने से हुई आमदनी से 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट खरीदा। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने एक फ्लैट दिया। विनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हुए हर जगह प्रतिष्ठा मिली। विनीता ने उसे पूछा कि सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। फिर धनराज ने बताया कि बहुत अच्छा। जब राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके कारण हर जगह इज्जत मिली। यहाँ पर ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक्स।